हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल पे आज की इस मजेदार सी रेसिपी के साथ आज की रेसिपी हमारी बनेगी पोहे से अभी मैंने एक कप पोहा एक कटोरी में बड़े से बर्तन में लिया है इसको मैं मैश कर ले रही हूँ इसको मैंने थोड़ी देर पहले भिगा लिया था अच्छे से छन्नी से छान करके ये फूल गए हैं और अच्छे से मैश भी हो जा रहे हैं और ये मैंने आलू लिया है दो मीडियम साइज़ के आलू उबले हुए थे इनको भी मैस करके लिया है मैंने एक कप पोहा और दो मीडियम साइज़ के आलू हैं ये और ये मैंने कुछ सब्जियां काट ली हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे कि अभी मैं एक हरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ और ये प्याज ढेर सारी छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च भी है और हरी धनिया पत्ती भी है सब्जियाँ आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो इसमें मिला सकते हैं जितनी ही सब्जियाँ रहेंगी उतना ही हेल्दी बनेगा चाहे तो आप इसमें गाजर चुकंदर स्वीट स्वीटकॉर्नस कुछ भी मिलाइए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बन जाती है तो मैंने ये सब मिला लिया सब्जियां और यहाँ पे मैंने दो चम्मच चावल का आटा डाला और अब कुछ बेसिक मसाले मिला ले रही हूँ जैसे कि हल्दी पाउडर मिलाया मैंने धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी मिला ली हूँ जीरा है और इसी के साथ गरम मसाला पाउडर भी है थोड़ा सा तो बहुत ही बेसिक मसाले इसमें यूज़ हो रहे हैं और हाँ खट्टापन फ्लेवर लाने के लिए मैंने एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर मिलाया और स्वाद अनुसार नमक इन्हीं सब मसालों को मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार सी हमारी एकदम स्वादिष्ट चटपटी नाश्ते की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स तो अच्छे से सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली और ये देखिए बाइंड होने लगा इस तरीके से हम सेब दे देंगे इसको गोल चपटा या फिर इस तरीके से कोई भी आप सेब दे दीजिए मैं तो इसे बेलनाकार ये वाला सेब दे रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है इससे कटलेट तो ये आज की रेसिपी है फ्रेंड्स पोहा आलू का कटलेट जो कि नाश्ते में बनाएं या फिर स्नैक्स के रूप में कभी भी बना के खाएं बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं इसे बनाना भी काफी इजी होता है तो मैंने इसे बेलनाकार सेप दिया है आप गोल टिक्की का सेप कोई भी सेप देके इस तरीके से रेडी कर लीजिए जैसा कि मैंने कर लिया है और इधर मैंने दो चम्मच चावल का आटा मिला के पतला सा घोल रेडी कर लिया है एक सलेरी बना लिया है आप चाहे तो चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हैं और ये मैंने सेवैयाँ ले ली हैं छोटी वाली जो आती हैं ये थोड़ी मोटी है पतली वाली भी आप ले सकते हैं और एक बार पहले डीप करेंगे हम इस चावल वाले घोल में और फिर कोट कर लेंगे सेवई से इस तरीके से तो दो तीन कटलेट मैंने एक बार में पहले रेडी कर लिया इस तरीके से कोट कर लिया है और मैंने दूसरी तरफ रख दिया है तेल भी कढ़ाई में गर्म हो रहा है क्योंकि इसको तुरंत हम जैसे ही कोट करेंगे गर्मा गर्म तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे तो अभी मैं इसको यहाँ पे डीप फ्राई करके बना रही हूँ आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई करके भी बना सकते हैं सेलो फ्राई करने के लिए टिक्की का सेब देंगे तो ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा वैसे भी और ये भी तरीका बहुत ही अच्छा होता है बनाने का टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा चाहे आप सेलो फ्राई करके बनाएं या फिर डीप फ्राई करके तो अभी ये कटलेट्स मैं चारों तरफ से घुमाते हुए बढ़िया से फ्राई कर ले रही हूँ और अब आप देख सकते हैं ऊपर से गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और ऊपर से ये खाने में फ्रेंड्स बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनेंगी क्योंकि हमने इसको सेवाइयों से कोट किया है वैसे आप चाहे तो ब्रेड ब्रेड क्रम से भी इसको कोट कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी सी ये पहला बैच मैंने कटलेट्स को फ्राई कर लिया ऐसे ही करके मैंने बाकी के कटलेट्स को भी फ्राई कर लिया फ्रेंड्स इसे हम चटनी सॉस या फिर चाय के साथ किसी भी चीज के साथ नाश्ते में सर्व कर सकते हैं बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी लगेंगे और इसकी खास बात यह है फ्रेंड्स कि बिना किसी ताम झाम के ये झटपट से बन के तैयार भी हो जाते हैं तो यहाँ पे मैंने सारे कटलेट्स फ्राई करके निकाल लिए हैं ये देखिए कितना बढ़िया एकदम गोल्डन सा कलर आया है बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं ये और खाने में भी उतने ही टेस्टी बने हैं तो चलिए इसको खाने के लिए सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स एकदम मज़ेदार से कुरकुरे चटपटे हमारे पोहा आलू के कटलेट्स बन के रेडी हैं मैंने तो इसे टमेटो सॉस और ग्रीन चटनी के साथ खा के इंजॉय किया था फ्रेंड्स आप इसे चाय के साथ या फिर ऐसे भी खाइए बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं बहुत ही अच्छे से हमारे पोहा आलू के कटलेट्स रेडी है इनको हम खाएंगे एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स और मैं इसको अभी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है ये बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है और मैंने इसे खाकर भी टेस्ट किया फ्रेंड्स तो बहुत ही टेस्टी बना है एकदम चटपटा सा कटलेट्स है ये आप भी इसी तरीके से बनाइए खाइए इंजॉय करिए वीडियो को मेरे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बाय